इंदौर को हमने बहुत मेहनत से सींचा है और बनाया है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इंदौर में आग लगा देंगे, तो हम ऐसे लोगों की विचारधारा को आग लगा देंगे। हम प्रदेश में कड़ाके की ठंड का खुमार अब धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन एमपी में चुनावी साल है और राजनीति के दिग्गज अपने बयानों से सियासी आग लगा रहे हैं। इंदौर पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पीएफआई एक्टिविटी और एक महिला के कोर्ट में पकड़े जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये इंदौर पुलिस के लिए और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अलार्मिंग है, और इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करने वाले लोग इंदौर जैसे महानगर में, तो ये चिंता की बात भी हम सब लोगों के लिए भी। और मैं देख भी रहा था कुछ वीडियो कि यहाँ पर भी सर कलम करने के नारे लगे। मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के लोगों को बख्शा नहीं जाए। इंदौर को हमने बहुत मेहनत से सींचा है और बनाया है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इंदौर में आग लगा देंगे, तो हम ऐसे लोगों की विचारधारा को आग लगा देंगे। हमने इंदौर में खून पसीना करके इंदौर को नंबर वन बनाया, और कोई इस प्रकार की आग लगाने की बात करेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के नारेबाजी करने वालों की विचारधारा को ही आग लगा देंगे। ये पहली बार नहीं है जब विजयवर्गीय ने आग वाला बयान दिया हो। अब हम आपको विजयवर्गीय का एक और बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने कमलनाथ सरकार के वक्त दिया था। तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हूँ इंदौर। तत्कालीन संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी से मुलाकात नहीं होने पर दिया गया विजयवर्गीय का ये बयान जमकर वायरल हुआ था। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि वह तो हमारे संघ के पदाधिकारी इंदौर में हैं, नहीं तो मैं शहर में आग लगा देता। जैसे ही विजयवर्गीय का नया बयान सामने आया तो कांग्रेस ने इन बयानों की आग में हाथ सेकने में देरी नहीं लगाई। एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन के मिश्रा ने ट्वीट कर विजयवर्गीय पर तंज कस दिया। मिश्रा ने लिखा, समझ के आग लगाना लोगों के घरों में, तुम लोगों के घर के बराबर तुम्हारा भी घर है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।